अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमान आगा और एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज मैं बहुत ही पुरसकून, बहुत ही प्यारी जगह जहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं जरदालू आया हूँ, इसको जरदालू भी कहा जाता है। तो ये जैसे आप ज़ियारत की तरफ आएँ कि यहाँ से एक रास्ता मुड़ता है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत सारा पानी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए इसको एंजॉय करने की कोशिश करें। तो कुछ क्लिप्स मैंने समाए हुए हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आप ज़रा इनको देखिए, उनको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, हमारे सफ़र का आगाज़ इस बोट से हुआ जाता है जो कि सीधा चपर लेफ़्ट की जानिब रवा दवा होगा, और इससे आगे अगर आप जाएँगे तो आप आरनाई पहुँच जाएँगे। ये रास्ता तो वैसे क्वेटा से शुरू हुआ है बजरिया जोब हाईवे, और रास्ते में आपको जैसे कि बोस्तान, फिर कुछ लाख इसी तरह होते होते आप यहाँ पहुँचेंगे। और अगर आप सीधा जाएंगे तो ज़्यारत की जानिब आप जाएंगे, अगर आप राइट जानिब जाते हैं तो आप सीधा चपर रिफ्ट की जानिब जाएंगे, जरदारू जिसे कहा जाता है। तो अगर मैं आपको डिस्टेंस का बताऊँ तो चपर रिफ्ट जरदालू क्वेटा से तकरीबन 105 किलोमीटर के फासले पर है, और अगर आप टाइमिंग की बात करें तो आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो आप नीचे रोड जाते हुए देख रहे हैं, ये आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट सीन था या जगह था जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एंजॉय करेंगे। अगर आप यहाँ ख़ुद ट्रैवल करेंगे तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़्यादा आप इसको एंजॉय करेंगे। और आगे जो सीन्स आने वाले हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो ज़्यादा पसंद आएंगे। इस रोड से आप जितना आगे जाएंगे आपको उतना अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी। वैसे चपर लिफ्ट रेलवे ट्रैक के लिए मशहूर है, और इसे 1887 में शुरू किया गया। ये वो दूसरा ट्रैक है जिसने बलूचिस्तान को बजरिया रेलवे लाइन दूसरे सूबे के साथ मिलाया, और इसे लुइस मॉर्गेट ने शुरू किया था। और अब हम अपनी व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नज़ारों को यहाँ पे, आबशारों को एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत हवा यहाँ पे चल रही है इस वक्त, तो आप लोग भी यहाँ पे आएँ, इसको एंजॉय करें। जानवर इस तरह फ्रीली घूम रहे हैं, तो हमारा खाना बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इन पहाड़ों को सर करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर एनर्जी ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इसको कर पाएंगे। तो हमारी कढ़ाई इस वक्त तैयार हो चुकी है और हम लोग इसको अभी ट्राई करने लगे हैं, और इसका क्रेडिट नजीब शेफ़ को जाता है जिन्होंने ये डिलीशियस कढ़ाई हमारे लिए बनाई।
तो फाइनली खाना पीना सब कुछ हो गया है, हम लोग रिचार्ज हो चुके हैं और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दुश्वार रास्ता हमारी मुंतज़िर है। अब हमें ये पानी अबूर करना होगा इस तरह ताकि हम खूबसूरत नज़ारों तक पहुँच सकें। तो इन्जॉय करें। सबसे पहले मैं आपको वो पुल दिखाना चाहता हूँ जिसके सारे पैसे हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे है वो पुल अभी इस हालत में है, और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं इस तस्वीर को 1800 बल्कि 1900 के करीब लिया गया होगा। मुझे एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है और आपको फ़र्क भी वाजे नज़र आ रहा होगा। तो फाइनली इस पानी को मैं क्रॉस कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाय हिफाजत वैलिटी बच गया गिरा होने से। सुभान अल्लाह, नहायत ही खूबसूरत पहाड़, बहुत स्लिपरी पत्थर है यहाँ पर, एहतियात बरतने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। आप एहतियात के बगैर यहाँ पर बहिफाजत नहीं जा सकते, तो इस पत्थर के साथ ज़रूर एहतियात बरतनी चाहिए। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान खूबसूरत नहीं जरा देखिए। तो इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि मैं इन स्लिपरी पत्थरों पे थोड़ा सा हाइक करूं, इन पे चढ़ूं उतरूं और जंप लगाऊं और इन लम्हों को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करूं। चश्मा पता नहीं कहाँ से दे रहा है और ये चलता हुआ वहाँ तक उस पहाड़ी की सिरे तक जा रहा है। सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। ये पत्थर आप ज़रा देखें, इतना बड़ा पत्थर, यहाँ पे तो चढ़ना भी मुहाल है। वो पत्थर आप ज़रा देखें, ये पत्थर देख के हैरान रह जाता हूँ, वो वहां तक जा रहा है। तो आप लोग भी जरूर यहाँ आए और इंजॉय करें, बहुत ही खूबसूरत वैली। जैसा कि पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इसे जरदालू कहते हैं।
हर जगह हम लोगों ने गन फैलाए हुए हैं, हर जगह। ये आप ज़रा देखें, ये ज़रा देखें, हर जगह हम लोगों ने गन फैलाए हुए हैं। खुदा रहा इस तरह की खूबसूरत जगहों को गंदा ना करें, हमारे हाल पे रहम का है। अब आप ज़रा देखें, ये रहा बोतल, ये रहा एक और बोतल। खुदा रहा इसको यार गन ना फैलाएं यहाँ पर। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम सब को तौफीक दे। ये रहा एक और बोतल यार, इतना पी के क्या करते हो आप लोग। प्लीज़ इस तरह प्यारी जगहों को साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें। मैं सबको नहीं कह रहा माजरत के साथ, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता, मगर खुदा रहा इस तरह प्यारे जगहों का ख्याल रखें। क्या आप ज़रा देखें, ये पानी ज़रा देखें। अल्लाह बस हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हम लोगों ने कदर नहीं की। तो ये ताज कबीलों को उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने राय से आगाह कीजिए, इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत ही जल्द। अल्लाह हाफिज़।